मार्क के बारे में पढ़ेंगे। ये अगर हमें बुक मार्क लगाने हो तो हम कैसे लगाएंगे? बुक मार्क हमारे इंसर्ट ऑप्शंस के अंदर ही होता है और वो लिंक्स के अंदर रहता है। पिछले वीडियो में हमने हाइपर लिंक के बारे में पढ़ा था, आज में हम बुक मार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो बुक मार्क हम लगाते कैसे हैं और इसका क्या यूज़ रहता है, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अब देखने मेरे पास एक डाटा है, चार पैराग्राफ का एक वर्कशीट है जो मैंने कहीं से भी कॉपी पेस्ट की हुई है। आप कहीं से भी, आपके पास डाटा होगा, मैं आपको समझाने के लिए ओनली कहीं से भी डाटा या कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जैसे सपोज कीजिए केयरिंग वर्ड है, केयरिंग के आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, कोई भी। ओए गाइस, और हम बुक मार्क पर जाएंगे। जैसे हम बुक मार्क पर क्लिक करते हैं हमारे पास डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है, ऐसे हमारा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। अब बुक मार्क नेम को हम केयरिंग के नाम से ही कर देते हैं, केयरिंग ऐड। हाँ, हमारे पास एक बुक मार्क ऐड हो गया। सपोज कीजिए ये पेज नंबर 2 है, आपको ओनली क्लियर करने के लिए मैं इसको इंसर्शन कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास तो फाइल्स काफ़ी होंगी लेकिन इसके अंदर डाटा इतना नहीं है कि इसके अंदर फाइल ज़्यादा हो। पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। ओके गाइस, सो ये है हमारे पेज नंबर 1, 2, 3, 4। अब हम इसके अंदर बुक मार्क कर देते हैं। सपोज़ कीजिए कि हम इसे सेलेक्ट नहीं करते हैं, हमारा जो पॉइंटर है वो 2 पे पॉइंट कर रहा है, हम इसका भी बुक मार्क कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम डाटा को सेलेक्ट करें, हमारा जो पॉइंटर है हमारा वो वाला वर्ड भी, वो वाली लाइन भी पॉइंटर हो सकती है। और सपोज ये पेज नंबर 2 को हम पेज नंबर 2 से ही कर देते हैं। अब देखिए, जब मैंने पेज लिखा तो ऐड में हम ऐड कर सकते हैं, हमारा विजिबल है, लेकिन जैसे ही मैंने स्पेस कर दिया ये विजिबल ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, आप देखें स्पेस किया उसके बाद मैंने जैसे कुछ किया, हमारा ऐड वाला विजिबल नहीं रहता, मतलब इसके अंदर हम स्पेस नहीं डाल सकते, हमें जैसे भी है वैसे ही लिखना पड़ेगा। और हम इसके अंदर वो कुछ नहीं डाल सकते, हम कुछ कॉलम्स या कुछ हाइफन स्लैश और कुछ डाल सकते, हम बस ये डाल सकते हैं कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली। और सपोज़ कीजिए मैं पेज के बाद 2 लिखा, और सपोज़ कीजिए मैं पेज से पहले 2 लिखता तो हमारा जो बुक मार्क का ऑप्शन है ऐड वाला वो हट जाता। तो उसके अंदर स्टार्टिंग में और स्पेस और हैश या कोई भी सिंबल बुक मार्क में नहीं डाल सकते। और सपोज़ कीजिए पेज नंबर 3 है, इसके अंदर बुक मार्क कर देंगे पेज 3 ऐड। ओए गाइस, ऐसे पेज नंबर 4 इसे बुक मार्क ऐड कर देंगे, आपको उन्हें क्लियर करने के, जिससे आपके पास क्या होगा कि बहुत सारी शीट्स होंगी तो आपको अगर बुक मार्क करना हो तो आप इजीली कर सकें। ओए गाइस, तो हमारे पास स्टार्टिंग में आ गए। अब सपोज़ कीजिए हमें पेज नंबर 4 पे जाना है, तो बुक मार्क पर जाएंगे, पेज 4 आपको दिख रहा है, इसके ऊपर रखिए, आप गो टू देख रहे हैं, ऐड के बाद डिलीट है, फिर गो टू है, गो टू पर क्लिक कर देंगे। ऐसे गो टू पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं हम पेज नंबर 4 पे ऑटोमेटिकली आ गए हैं। ओए गाइस, अब इसे हम क्लोज कर देंगे। चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, जैसे हमें केयरिंग वर्ड पे जाना है तो हम केयरिंग पे गो टू पे क्लिक करें तो हम केयरिंग वर्ड पे ऑटोमेटिकली आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखिए केयरिंग वर्ड। अब ऐसे पेज नंबर 2 है, इस पर गो टू क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो टू क्लिक करेंगे हम, तो हम पेज नंबर 2 पे आ गए। ऐसे पेज नंबर 3, मतलब आपको जो भी बुक मार्क कराता आप उस पेज पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्लियर करना होगा कि हम पेज नंबर 3 पे आए या नहीं आए, तो हम इसके ऊपर कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं आपको दिखाने के लिए। तब उसके लिए पेज नंबर 3 पर हम कोई पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं, जिससे हमें, अगर हमें बहुत सारी फाइल्स हो, बहुत सारी शीट्स हो, हमें जाना हो, हमें उस पेज पर जाना हो, वाली फ़ोटो देखनी हो तो हम कैसे देखेंगे? तो सब उसके जी हमने ये वाली फ़ोटो इंसर्ट कर दी। ओए गाइस, ऐसी पेज नंबर 2 पे ये थोड़ी बड़ी फ़ोटो से छोटा कर देते हैं क्योंकि ये पेज नंबर 4 पे चली गई।
ठीक है, पेज नंबर 3 पे फोटो आ गई हमारी। अच्छा पेज नंबर 2 पे कोई क्लिप आर्ट डाल देते हैं। आपको ये कुछ पिक्चर्स वगैरह इंस्ट्रक्शन सीखने हो क्लिप आर्ट से, तो उन्हें पिछले वीडियो में सिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप उसमें से देख सकते हो। कोई क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम प्रिंटर सर्च कर देते हैं, प्रिंटर सर्च किया और हमने इसे इंसर्ट कर दिया। डबल क्लिक करते ही ये इंसर्ट हो जाता है, हमने 2 कर दिए थे। ठीक है गाइस, अब सपोज कीजिए हमने ये पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 2 पे फोटो इंसर्शन कर दिया। अब हमें कैसे क्लियर होगा कि ये हमारा पेज नंबर 2 बुक मार्क पे आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए हमें बस ट्राई कर लेते हैं। बुक मार्क पे जाते हैं, बुक मार्क क्लिक करते हैं। बुक मार्क क्लिक करते ही जो हमने बुक मार्क्स किए हैं उसके ऊपर जाते हैं। जैसे पेज नंबर 3 पे हमने बुक मार्क पर फोटो लगाई थी, देखते हैं वो फोटो आई या नहीं आई। ये देखिए पेज नंबर 3 पे वाली फोटो आ चुकी है, अब देख सकते हैं ना। ये देखिए ऐसे पेज नंबर 4 पे हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन हमने बुक मार्क किया था। गो टू पेज नंबर 4। अब पेज नंबर 2 पे गए तो पेज 2 के नाम से हमने, ये देखिए। तो बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है ये। अच्छा एक पेज पे हम एक से ज़्यादा बुक मार्क भी कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए हमें री एग्ज़ामिनेशन या कोई भी स्पीकर्स को हमें बुक मार्क करना है। ओए गाइस, हम बुक मार्क पर जाएंगे। SPEAKER@ सपोज कीजिए पेज 4 पे गए और हमें स्पीकर वर्ड ढूंढना है, हमने बुक मार्क किया होगा, तो स्पीकर पे जाएंगे। गो टू, देखिए हम पेज नंबर 1 पे स्पीकर्स वर्ड पे आ गए हैं। और सपोज़ कीजिए हमें कोई ये वाला बुक मार्क डिलीट करना है, तो कुछ नहीं करना, मेरे को इसको सेलेक्ट करना है और ऐड के नीचे आपको डिलीट दे, बस उसके ऊपर क्लिक करते रहना है, तो हमारा वो जो बुक मार्क है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे सपोज़ को इसे भी डिलीट कर देते हैं, पेज नंबर 4 का बुक मार्क भी जो आप इंसर्ट कर सकते हो, आप डिलीट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसका। ओए गाइस, बहुत ईजी है ये। ऐसे पेज नंबर 3 का कर सकते हैं, पेज नंबर 2 का कर सकते हैं, मतलब जो बुक मार्क्स आप कर रहे हो वो आप डिलीट भी कर सकते हो, इसके लिए कोई इशू नहीं है। और बुक मार्क समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है ये। आप पेज नंबर 2 पे हम बुक मार्क पे जाएं, जब हमने फ़ोटो इंसर्ट की थी तो हम उस पर भी जा सकते हैं। जब पेज नंबर 2 को हम सेलेक्ट करें और उसके ऊपर गो टू पे क्लिक कर दें, ये देखिए प्रिंटर की फ़ोटो हमने इंसर्ट की थी तो वो हमारी प्रिंटर की फ़ोटो आ गई है, और हम डिलीट भी कर सकते हैं बुक मार्क ये वाला भी। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ओके वो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।